जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंजी खाड़ ब्रिज का निर्माण हिमालय के पर्वतीय इलाकों में हो रहा है, जहां हिमस्खलन, भारी बारिश और भी कई तरह की आपदा का खतरा बना रहता है। इसलिए अंजी खाड़ ब्रिज को केबल आधारित डिजाइन के अनुसार बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो ये भारत का पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज बन जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि इस ब्रिज का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ और कौन सी कंपनी इसका निर्माण कर रही है। दरअसल अक्टूबर 2016 में भारतीय रेलवे ने अंजी खाड़ पर एक केबल आधारित ब्रिज बनाने का निर्णय लिया। इसके बाद साल 2017 में ये निर्धारित किया गया कि SCC यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी इस ब्रिज का निर्माण करेगी, जिसका बजट 400 करोड़ रुपए होगा। इस परियोजना की देखभाल का जिम्मा कोकण रेलवे कॉरपोरेशन को दिया गया। अंजी खाड़ ब्रिज की कुल लंबाई 725 मीटर है, जिसमें 473 मीटर लंबा केबल आधारित ब्रिज होगा। इस ब्रिज में सिंगल लाइन रेलवे ट्रैक और 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस रोड होगी। इसमें कुल 96 केबल लगाए गए हैं जो इस ब्रिज को मजबूत बनाता है।